विश्व संगठन के अनुसार अफ्रीका और एशिया में लगभग 30 देशों से ज़्यादा 20 करोड़ लड़कियों का सर्कमसिजन हो चुका होता है। मेल की तरह गर्ल्स का भी सर्कमसिजन होता है, और इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्राइवेट पार्ट होता है उनके जो बाहरी जो पार्ट होता है उसके कुछ हिस्सों को उसे काट के हटा दिया जाता है। ये प्रोसेस होता है, और इससे ये जो सर्कमसिजन होता है बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही कष्ट वाला होता है, जो एकदम आपको होश में किया जाता है। कोई भी ऐसे पिल्स नहीं दी जाती है जिससे आपको बेहोशी हो जाए, एकदम आप जैसे हैं वैसे, मतलब आपको उस समय वो किया जाता है सर्कमसीजन। और साथ ही ये जब आपके नवजात जो शिशु होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी, और जो 15 साल के एज में होते हैं टीनेज, उनकी ये सर्कमसीजन की जाती है। और ये आपको ये बात जान के हैरानी होगी, ये उनकी माँ खुद ले जाती है सर्कमसीजन करवाने के लिए। और ये इसका कोई बेनिफिट्स नहीं है, ये साइंटिफिकली और मेडिकली भी प्रूफ नहीं हुआ। इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है, पेन होता है, और इसके बहुत साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपकी यूरिन पास करने में दिक्कत होगी, पीरियड्स में भी दिक्कत हो सकती है उसमें, और आपको ओवरी में आपको उसमें गांठ बन सकती है। ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। वोमेंस का सर्कमसीजन करते वक्त उनके जो बाहरी जो होती है हिस्सा, जिसको क्लाइटोरस बोलते हैं, उसे काट के हटा दी जाती है। और ये WHO जो है वो इस चीज़ को 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड की है। इसे 4 तरीके से सर्कमसीजन की जाती है, जो बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और पेनफुल होती है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो होने वाली काफ़ी इंटरेस्टिंग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, इस चीज़ को बैन लगना चाहिए। गवर्नमेंट भी चाहती है इसे बैन लग जाए, कहीं कहीं बैन लग गया फिर भी मतलब पर्दे के पीछे इस चीज़ को की जाती है, क्यों, ये उनकी प्रथा है, अपनी प्रथा को वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो भी गर्ल्स वुमेंस इस चीज़ से जूझ रही हैं उनका ये हेल्प हो सके। मेरे वीडियो के ठीक नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसे सब्सक्राइब करके ग्रे कलर जो होगा, रेड को ग्रे कर देना है, ठीक है। तो जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं फटाफट से, लेट्स गो स्टार्ट। पहले प्रकार में क्या होता है, जो क्लाइटोरस होता है उसको काट के हटा दी जाती है। और उसमें क्या होता है, और यही नहीं, उसका जो क्लाइटोरिया का जो ऑर्गेन होता है, आपको एक बात पता होना चाहिए, सेक्सुअल लाइफ को जो प्लेजर देता है वो क्लाइटोरिया ही होता है, जिससे आपको सेक्स लाइफ को और भी ज़्यादा प्लेजर और हैप्पीनेस बनाता है। तो आप उसे कैसे पूरे तरीके से काट के हटा देते हो यार, कि कितना पेनफुल होता होगा यार, सेक्सुअल लाइफ को तो आप पूरी ज़िंदगी भर के लिए स्पॉइल ही कर देते हो यार। और ऐसा इसलिए करते हैं, कुछ लोगों का ये मानना है लड़कियों का सर्कमसिजन इसलिए की जाती है क्योंकि अपने पति के प्रति वो बहुत ज़्यादा फेथफुल रहे, वफादार रहे। और एक ये भी है, अगर जिन लड़कियों में सेक्सुअल चीज़ मतलब सेक्स करने की जो उत्तेजना होती है, वो उस चीज़ को मारने के लिए इस चीज़ को की जाती है, वो पवित्रता को अपने आप को प्रूफ करने के लिए भी सर्कमसीजन की जाती है। दूसरी जो प्रकार का होता है सर्कमसीजन, उसमें क्या होता है, जो लेबिया होता है उसको काट के हटा दी जाती है। जो जो लेबिया और आउटर जो स्किन होती है, वो जो उसको फ्लैप करती है, उस जो बीच की जो होती है उसे काट के हटा दी जाती है। और कभी कभी ये भी होती है, इनर लेबिया को तो काटा ही जाता है, साथ ही क्लाइटोरिया को भी काट दिया जाता है, काट के हटा दी जाती है, ये प्रोसेस होती है। और वाली जो आउटर जो लेबिया होता है वही उनके प्राइवेट पार्ट को वो प्रोटेक्ट करते हैं। तीसरी प्रकार की जो सर्कमसीजन होती है, ये आपके रोए को मतलब क्या कहे यार, आपको झिझोड़ के रख देगा। ये इतनी खतरनाक है यार, मतलब इसमें क्या होता है, ये इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। और इसमें क्या होती है ना, इनर जो लेबिया होती है उसे काट के हटा दी जाती है और उसको सिल दी जाती है। और दूसरा सिचुएशन तो और भी ज़्यादा पेनफुल है, उस लेबिया का जो आउटर होता है उसे मतलब उसे उसे काट के उसको सिल दी जाती है, और वनली थोड़ा सा होल छोड़ा जाता है वनली यूरिन पास करने के लिए। वो आप सोचिए कितना पेनफुल होगा, और पीरियड्स के दिनों में वो दिन कितना मतलब पेनफुल होगा यार, ये करते कैसे, उनको हिम्मत कैसे करती है ऐसे करने के यार।
चौथी प्रकार की सर्कमसिजन में क्या होता है, उनके जेनिटल पार्ट को जला दी जाती है, काट दी जाती है, छेद दी जाती है, स्क्रैचिंग, बहुत ऐसे चीज़ें उनके जेनिटल पार्ट के साथ किया जाता है जो बहुत बड़ा ये गलत हो रहा है। प्लीज़ इस चीज़ को बैन लगानी चाहिए। गवर्नमेंट को वैसे तो कोशिश कर रही है, करती भी है, लेकिन लोग मानते नहीं। प्लीज़ अपनी मान्यता को प्लीज़ मत खो यार, वो भी इंसान है। इस टॉपिक पे आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और इसमें क्या होता है ना, जब उनकी लेबिया को जब सिल दी जाती है, आउटर या इनर, तो आउटर अगर सिल दी जाती है तो जब उनकी शादी होती है, उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उसको चाकू से कट के काटते हैं और उस थ्रेड को निकाल देते हैं। और वो अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो री अगेन इन्फ्यूलेशन किया जाता है, जिससे फिर उसको सिल दी जाती है उस एरिया को। और ये बहुत ही ज़्यादा पेन होता है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। अल्स का सर्कमसीजन बस उस समय तक का वो दर्द नहीं होता, वो पूरी ज़िंदगी भर की हो जाती है। और इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं, अगर उनका सर्कमसीजन होने से उनको तो सबसे पहले उनको ओवरी में गांठ हो जाती है, और उसमें आपको सूजन भी हो सकता है, वजाइनल इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर आप वो जब शिशु को जब वो जन्म देती है तो उनको उनकी भी कई केसेस में उनकी मृत्यु हो जाती है। और कई केसेस में ये भी देखा गया वो बाज हो जाती है, उनके वजाइनल पार्ट में सबका सूजन हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जो उनके लिए ये सही नहीं है। जब बच्चियों का सर्कमसीजन होता है तो वजाइना का जो बाहरी हिस्सा होता है, पार्ट होता है, उसे क्लाइटोरिया कहते हैं, उसे ब्लेड से काटी जाती है। और ये लड़की को पता भी नहीं होता है, और ये एकदम चुपचाप से उसे, मतलब एक उसको पता ही नहीं होता है, उसको ले जाता है घर में और उसे सर्कमसीजन कर दी जाती है। और ये उनके माँ खुद करवाने के लिए ले जाती है, और ये बहुत ही दर्दनाक होता है, पेनफुल होता है। और इसमें एक ये भी बात, कोई भी नशे की दवा नहीं दी जाती है, एकदम होश में किया जाता है। तो सोचिए आप 15 साल की एज में छोटी बच्ची का करा रहे हो यार, कितना पेनफुल होगा यार, मतलब मेरे समझ से बाहर जा रहा है। या ऐसे मतलब कौन सा ये ट्रेडिशन है जो इसे आप लोग फॉलो कर रहे हो यार, इसे बैन करनी चाहिए, जिससे इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। वो लोग इसके एक उन लोगों का कहना है सर्कमसीजन करने से उनकी सेक्सुअल लाइफ के से जो कोई बीमारियाँ वगैरह वो नहीं होगी, और HIV और एड्स से रिलेटेड कोई उनको बीमारी नहीं होगी। बस ये कुछ बीमारियों के लिए आप ऐसा कर रहे अपने बच्चियों के साथ और अपने पति के साथ वफादार रहे, इसलिए मतलब अपनी बच्चियों पे आपको भरोसा नहीं है। उतनी छोटी बच्ची जो अभी जन्म ले रही है उसे पता भी नहीं है, और उनके साथ आप ऐसा व्यवहार ऐसा उनके साथ कर रहे हो यार, कैसे कर सकते हो यार। प्लीज़ कमेंट करना इसका बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें, ठीक है। मैं आपसे मिलती हूँ एक बेहतरीन एपिसोड्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को एंड तक देखिए, और हाँ, इसके बाद आप कौन सा वीडियो देखना चाहते हैं प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।